गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहांस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कवर करने वाला हूँ, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट बी एनी प्रोफाइल, एनी कंपनी, एनी डेजिग्नेशन। सो फ्रेंड्स, वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स इज वन ऑफ द कॉमन एक्टिविटीज जब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं। नाउ काफी बार हमारे पास ऐसा सिनेरियोज आ जाते हैं कि हमारे पास काफी सारे फाइल के कंप्लीट पाथ दिया हुआ है। नाउ द टास्क इज टू गेट द फाइल नेम फ्रॉम ऑल दोज पाथ। अब 500 मेरे पास पाथ है, मुझे उन 500 फाइल नेम चाहिए जो हमें किसी फर्दर रिपोर्टिंग के लिए यूज करना है। सो टू डू दैट हमारे पास काफी सारे वे आउट है जिसको हम यूज करते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, मिड, सर्च, काफी सारे इनडायरेक्ट मेथड है, लेंथी मेथड है। आज मैं आपको बताऊंगा एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक परमानेंट फॉर्मूला, एक अमेजिंग फॉर्मूला यूजिंग विच वी कैन एक्सट्रैक्ट और गेट और फेच द फाइल नेम फ्रॉम ए पाथ। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये अमेजिंग फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, एज एन एग्जांपल मैंने यहां पर कुछ फाइल नेम लिया हुआ है। नाउ आई हैव टू गेट दिस एज अ डिजायर्ड आउटपुट, मतलब यहां पर जो भी फाइल नेम है मुझे यहां पर चाहिए, जैसे invoice.pdf, जैसे weeklyreport.xlsx, सिंपली। तो यहां पर डिजायर्ड आउटपुट ऑलरेडी दिया हुआ है, आई वॉन्टेड टू गेट दिस डन। सो टू डू दिस आई एम गोइंग टू यूज वेरी वेरी सिंपल मेथड, वेरी वेरी इनोवेटिव मेथड। सो मैं यहां पर करूंगा क्या कि यहां पर जितने भी स्लैश हैं उसके जगह पे 100 स्पेस डाल दूंगा, 100 या 50, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पेस डालना है। तो जब मैंने स्पेस डाल दिया तो ये मेरे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मुझे लास्ट वाले पार्ट को निकालना है। अब लास्ट से अगर मैं 100 कैरेक्टर ले लेता हूं यूजिंग सम फंक्शन, राइट फंक्शन से अगर मैं 100 कैरेक्टर लूंगा तो क्या होगा, फाइल के नेम तो आ जाएंगे, उसके साथ साथ अनवांटेड स्पेस आ जाएगा। नाउ वी कैन इजिली रिमूव दैट स्पेस यूजिंग ट्रिम। जी हाँ फ्रेंड्स, सो चलिए एक बार देखते हैं इसको पूरा डेवलप करके। सो इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, वाई सब्स्टिट्यूट, बिकॉज ये फाइंड रिप्लेस का काम करेगा जहां पर हमें स्लैश को स्पेस से रिप्लेस करना है। नाउ दिस इज द टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा, दिस वन, एंड न्यू टेक्स्ट। अब यहां पर एक और चैलेंजेस है, आई कैनॉट टाइप लाइक दिस, ये 100 स्पेस में ऐसे टाइप नहीं करना चाहता, बिकॉज ये फिर मैनुअल एक्टिविटी हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे एक और अमेजिंग फंक्शन को यूज करना है जो कोई भी चीज को रिपीट कर सकता है, एंड दैट अमेजिंग फंक्शन इज नोन एज REPT, रिपीट्स टेक्स्ट ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। परफेक्ट, मुझे स्पेस को रिपीट करना है 100 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये होगा क्या, यहां पर अगर आप देखोगे, सो दिस इज एडिंग 100 स्पेस, यहां पर 100 स्पेस आया, ऐसे यूजर के बाद भी 100 स्पेस होगा, बिकॉज यहां पर मेरे पास डेटा, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये आप देख रहे हो राइट साइड में ये स्पेस ऐड कर रहा है। नाउ आई वांटेड टू गेट द राइट साइड वाला, अब राइट साइड में है क्या, लेट मी शो यू। अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा सबसे लास्ट में क्या है, दिस इज invoice.pdf, और मैं 100 कैरेक्टर ले लूंगा, क्योंकि हमने 100 स्पेस ऐड किया है, तो 100 कैरेक्टर लूंगा तो एटलीस्ट टेक्स्ट के साथ कुछ स्पेस और ऐड हो जाएगा। लेट मी शो यू। सो राइट फंक्शन, राइट एंड राइट से मैं 100 कैरेक्टर ले लेता हूं। अब ये होगा क्या कि यहां पर टोटल 100 कैरेक्टर आ गया, जिसमें फाइल के नेम तो आएंगे और रिमेनिंग उतने स्पेस हो जाएंगे, बिकॉज लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस है। नाउ हाउ टू रिमूव द स्पेस, मैं करूंगा ट्रिम। ट्रिम से क्या होगा, जो भी अनवांटेड लेफ्ट साइड के स्पेस है वो हट जाएगा, या इवन राइट साइड के स्पेस अगर होते वो भी हट जाएगा, फिलहाल यहां पर नहीं है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। वाओ, सो आई हैव गॉट दिस वन व्हिच इज ऑल द फाइल नेम। परफेक्ट, सो यहां पर क्या था, यहां पर था invoice.pdf, इसको मैं रख देता हूं ऐसे ही। सो दीज आर द फाइल नेम जो मैंने यहां से यूज किया। आपने देखा मैंने कोई कॉम्प्लेक्स सा कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिंपल सा लॉजिक यूज किया। सो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक क्वेरी आ रहा होगा, मुझे पता है क्या क्वेरी आ रहे हैं। द क्वेरी इज कि यहां पर अगर मुझे फाइल नेम चाहिए विदाउट द एक्सटेंशन तो कैसे निकालेंगे। अब यहां पर एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर के भी हो सकते हैं, जैसे PDF है,
और चार भी हो सकते हैं जैसे XLSX है, बट आई वॉन्ट टू गेट द एग्जैक्ट फाइल नेम विदाउट द एक्सटेंशन. सो चलिए इसको देखते हैं, हाउ टू गेट द फाइल नेम विदाउट द एक्सटेंशन. बट इस ट्यूटोरियल में नहीं, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए, इसी एग्जाम्पल के नेक्स्ट पार्ट के लिए जो मैं आपको बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द स्ट्रीक एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द स्ट्रीक इन योर ऑफिसेज. सो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड और नेक्स्ट ट्यूटोरियल को जरूर देखिएगा, बिकॉज वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से विदाउट द एक्सटेंशन मैं फाइल के नेम को फेच कर सकता हूं. नाउ यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.